तो वी कैन फाइंड आउट मेन इफेक्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेबल्स एंड देर इंटरेक्शन फ्राम द इंटरेक्शन प्लॉट हेयर इज इंटरेक्शन प्लॉट एज यू कैन सी के दर इज नो सिग्नीफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन जेंडर एंड कैफीन कंजम्पन चूंकि हमारी जो वैल्यू थी वो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स थी और हमने कहा है कि थेरेटिकली हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन अगर हम डेटा कहीं पर वैसे यूजली एक तरीका होता है कि जब हमारी लाइन्स कहीं पे भी जाके अगर इंटरैक्शन इंटरसेकट uh, कर दें तो हम कहते हैं कि इंटरेक्शन हो सकती है मे बी यहाँ पर डेटा हम इंक्रीज करें तो कर दें या मे बी यहाँ पर जाके वो उनको कर दें लेकिन सो फार चूंकि हमारी वैल्यू जो है वो पॉइंट सिक्स सिक्स आई है तो रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम क्लेम यही करेंगे कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन जेंडर एंड कैफी इन कंजम्पन कैफिन कंजम्पन एट डिफरेंट लेवल्स प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट फॉर मेमोरी टेस्ट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल तो देखें अगर आपका लेवल वन के ऊपर मेल और फीमेल यहाँ पे हैं लेवल टू के ऊपर स्लाइटली वो यहाँ पे हैं और लेवल थ्री के ऊपर वो स्लाइटली यहाँ पे है सो so, इसका मतलब है कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि थर्ड में दोनों ग्रुप्स में एरर ज़्यादा हैं सेकेंड में भी हाँ अगर किसी एक लेवल के अंदर किसी एक जेंडर में एरर ज़्यादा होती तो इंटरेक्शन प्रिसाइसली सिग्निफिकेंट होता लेकिन आई बिलीव कि अगर हम डेटा इंक्रीज करें तो वी कैन सी कि हमारी सेकेंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे हमारी जाके इंटरेक्शन हमारी अचीव हो जाएगी बट सो फार यू कैन हैव एन आइडिया के इंटरेक्शन कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि हम चाहे मेल हैं या फीमेल हैं इनका आप एवरेज देख लें कि कैफ़ीन का चाहे हमने लो दिया मीडियम दिए हाई दिया दोनों का बिहेवियर्स ऑलमोस्ट एक जैसा ही है यानी उनमें ज़्यादा एरर्स हैं दरमियानी और फिर कम एरर्स तो बहुत ऑफ द वेरिएबल्स इन्फ्लुस्ड मेमरी स्कोर्स इंडिपेंडेंटली दोनों वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट है इंटरक्टिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है फॉर द मेन इफेक्ट ऑफ कैफेन अ ग्राफ्ट शोज दैट द हाई डोज ऑफ कैफेन रिजल्टड इन हायर इफेक्ट ऑन मेमरी एज कम्पेयर टू लो एंड मीडियम कैफीन कंजम्पन जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है कि आप देख सकते हैं कि हाई डोज कैफीन के ऊपर आपकी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है मेमरी के ऊपर चाहे वो मेल है या फीमेल है क्योंकि ये हमारी फीमेल पहले यहाँ थी लेकिन अब उनकी एरर्स यहाँ पे आ गई हैं और मेल्स पहले यहाँ पे थे तो यहाँ पे आ गए हैं सो हाई डोज जो है कैफीन का वो आपका इफेक्ट कर रहा है इन अदर वर्ड्स इंक्रीज कैफीन कंजम्पशन इंप्रूव्ड मेमोरी स्कोर्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स वैसे इसकी इंटरप्रटेशन अदर वे भी हो सकती है क्योंकि अगर हमारा ये मेमोरी स्कोर ज़्यादा का मतलब ज्यादा है और दिस इज नॉट एरर्स रादर दिज आर द मेमोरी स्कोर्स वेयर हाई स्कोर इंडिकेट बेटर मेमरी तो फिर इंक्रीज कैफीन के साथ हमारी मेमरी बेहतर हो रही है क्योंकि स्कोरस हमारे इंक्रीज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लो तो यू कैन डू द इंटरप्रटेशन इन बोथ वाइज सो फॉर द मेन इफेक्ट ऑफ जेंडर द सेपरेट लाइन पर्पल और मेल एंड ग्रीन फॉर फीमेल इंडिकेट दैट फीमेल स्कोर हायर ऑन मेमरी टेस्ट दैन द मेल क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो ग्रीन लाइन फीमेल की है दे आर इज सिग्निफिकेंटली Uh, scoring better uh, on the on the memory task as compared to male so the main effect for gender are of course significant